हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 15 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, Why India's 2018 टाइगर सेंसस हैज मेड इट टू द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। आई एम श्योर आप सभी लोगों को याद होगा कि 2010 के अंदर हमारे देश में जो टाइगर्स की संख्या थी वो सिर्फ रह गई थी 1500। तो यहां पर जो आंसर है आपको बताना है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐसा क्या हुआ है, कितनी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है उसके बारे में यहां पर पूछा गया है। तो यहां पर है आपके पास चार ऑप्शन ए बी सी एंड डी। तो ए से स्टार्ट करते हैं, 2010 में आप देख सकते हैं कितनी संख्या है 1000। तो इसका मतलब है ये तो आपका गलत हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था, 2010 के अंदर जो संख्या थी वो थी लगभग 1500। इन द सेम मैनर जो आपका ऑप्शन डी है वो भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपका ए और डी जो ऑप्शन है वो तो आपका एलिमिनेट हो चुका है, बचे आपके बी और सी। तो यहां पर मैं आपको एक बात बता देता हूं जिससे आपको इसका आंसर याद रहेगा हमेशा के लिए। इसकी जो संख्या है वो हो चुकी है दोगुनी, इसका मतलब है डबल हो चुकी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो 4000 तो नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये भी आपका कैंसल आउट हो जाएगा। और यहां पर जो सी ऑप्शन है वो है 2976। दिस इज द एग्जैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ द टाइगर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस जवाब के साथ ही मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूं टाइगर के बारे में। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पैंथेरा टिग्रिस, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगर बात करें टाइगर रिजर्व्स की तो टोटल जो संख्या है वो है आपकी 50। एट प्रेजेंट टोटल आपके हैं 50 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। अगर बात करें लार्जेस्ट की, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व इन आंध्र प्रदेश, आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। और यहां पर बात करें स्मॉलेस्ट की तो वो है ऑरेंज नेशनल पार्क असम में। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। विच कंट्री इज इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर फॉर द सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव फिस्कल ईयर इन 2019-20। तो यहां पर आपसे सीधा पूछा गया है कि कौन सा ऐसा देश है जिसने 2019 से लेकर 20 तक सबसे ज्यादा लेन देन किया है। आप देख सकते हैं व्यापार सबसे ज्यादा हुआ है। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन है चाइना, रशिया, जापान या फिर यूएसए। तो यहां पर इसका सही जवाब होगा यूएसए। तो यहां पर कुछ लोगों को लगा होगा कि चाइना आंसर हो सकता है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना टॉप पर था लेकिन इन सभी ईयर्स के अंदर। तो यहां पर आप देख सकते हैं 18 से लेकर 19 तक इस साल के अंदर यूएसए ने चाइना को ओवरटेक कर लिया था और इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड एज, यानी कि हाल ही में उन्होंने एक पुस्तक जारी की है जिसका टाइटल आपको बताना है। तो यहां पर चार ऑप्शन गिवन है। पहला है द ब्लूम्सबरी एंथोलॉजी ऑफ ग्रेट इंडियन पोएम्स, दूसरा है तंगम, सी द ब्लैक हिल, डी अ कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981। तो इनमें से आपको जवाब बताना है। इसका सही जवाब होगा तंगम, ऑप्शन बी। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि बुक में ऐसा क्या है। आप देख सकते हैं दिस बुक हैज वैल्यूएबल डेटा ऑन एंडेंजर्ड ओरल नैरेटिव्स। एंडेंजर्ड का मतलब होता है खतरे में, इसका मतलब है यानी कि विलुप्ति के कगार पर। आप देख सकते हैं रिचुअल सॉन्ग्स यानी कि कुछ लोकगीत हो सकते हैं, ठीक है। और यहां पर फेस्टिवल सॉन्ग्स की बात की गई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो तंगम समुदाय है उसकी ये भाषा है। तो ये बुक इसीलिए लिखी गई है कि लोग जाने, इसके बारे में जाने, जो तंगम भाषा है, तंगम समुदाय है, ठीक है, उनके बारे में जाने और ये जो भाषा है इसको बचाया जा सके। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। रिसेंटली इंडियन रेलवेज लॉन्च अ मिशन, यानी कि इंडियन रेलवेज ने, भारतीय रेलवे ने एक मिशन स्टार्ट किया है, शुरू किया है, उसका आपको नाम बताना है और उसका जो मकसद है वो भी आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है पेपरलेस टिकटिंग सिस्टम बाय 2025, दूसरा है कंप्लीटली सोलर पावर ऑपरेटेड ट्रेन्स बाय 2030, तीसरा है कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ 4000 किलोमीटर ऑफ ट्रैक इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, और डी है ग्रीन रेलवे बाय 2030, दैट मींस नेट जीरो कार्बन इमिशन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि ग्रीन रेलवे। तो चलिए मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि नेट जीरो कार्बन इमिशन क्यों होगा। आप यहां पर देख सकते हैं रेलवेज ने इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है मोर देन 40,000 किलोमीटर रूट का,
ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ है वो भी अभी चल रहा है, ठीक है। और बात करें सेकेंड पॉइंट की, तो सोलर पैनल्स की बात की गई है, यानी कि जो स्टेशन है, ऑफिस की बिल्डिंग्स है, वहां पर ये इंस्टॉल किया जाएगा, ठीक है, जिससे कि कार्बन का जो इमिशन है वो कम किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज अनाउंस अ $10 बिलियन डिजिटाइजेशन फंड फॉर इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी। तो चार ऑप्शन में से आपको एक बताना है। पहला है मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, देन सुंदर पिचई, और डी है आपका रतन टाटा। तो इसका सही जवाब होगा सुंदर पिचई। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुंदर पिचई कौन है, गूगल के सीईओ हैं, ओके। और हाल फिलहाल जो अभी मीटिंग हुई थी, आप जानते ही होंगे, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि उनकी मीटिंग हुई थी नरेंद्र मोदी जी के साथ, और उसके बाद ये फैसला लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेड इंडिया सेकेंड वॉलेंटरी नेशनल रिव्यू VNR 2020 एट दी यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम HLPF। तो यहां पर आपको चार ऑप्शन गिवन है, नीति आयोग, BIS, TRAI, ट्राई और NSC। तो इसका सही जवाब होगा नीति आयोग, ऑप्शन ए। तो चलिए मैं यहां पर आपको नीति आयोग के बारे में जानकारी दे देता हूं, और यहाँ पर कुछ फुल फॉर्म्स हैं, उनके बारे में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और यहाँ पर जो चेयरपर्सन है वो है खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, और वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, और जो इसके सीईओ हैं नीति आयोग के वो हैं अमिताभ कंत। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, विच वन इज नॉट अ मोटर व्हीकल एंड इज नॉट कवर्ड अंडर द MV एक्ट। MV का मतलब है मोटर व्हीकल एक्ट। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने अभी ये जानकारी दी है कि जो इस तरह के जो व्हीकल्स हैं, हैवी मशीनरीज हैं, ठीक है, उनको DL की जरूरत नहीं है, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा व्हीकल है, ओके। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपको गिवन है, 4-व्हीलर, 3-व्हीलर, CNG व्हीकल या फिर ऑप्शन बी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी हैवी मशीनरी। जैसे आपने देखा होगा रोड रोलर है ना, जिसके थ्रू आपकी सड़क बनती है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऐप इज लॉन्च्ड बाय अटल इनोवेशन मिशन एम ऑफ नीति आयोग फॉर स्कूल चिल्ड्रन अक्रॉस दी कंट्री। यानी कि आपको वो ऐप बतानी है जो कि लॉन्च की है बाई दी अटल इनोवेशन मिशन ऑफ नीति आयोग। यहां पर आपको चार ऑप्शन गिवन है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल फॉर स्कूल चिल्ड्रन। इस ऐप के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ये जो ऐप है बेसिकली ऑनलाइन कोर्स है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है स्कूल चिल्ड्रंस के लिए, और यहां पर आपको मिल जाते हैं मोबाइल ऐप पर 6 प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मॉड्यूल्स एंड ऑनलाइन मेंटरिंग सेशन इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस एंड शोकेस देयर टैलेंट। डैश वॉन दी प्रेस्टिजियस CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019। आपको यहां पर बताना है कि ये अवार्ड किसने जीता। यहां पर चार ऑप्शन है, ONGC, NTPC, HAL और रिलायंस। तो सही जवाब होगा NTPC। NTPC का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और ये बेसिकली है आपका सेंट्रल PSU। PSU स्टैंड फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, एंड दिस इज इंडियाज लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन डज द यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम HLPF मीट, यानी कि ये कब होता है, ठीक है, ये जो मीट है HLPF ये कब होता है आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा एनुअली इन जुलाई। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही, इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।